जयप्रदा को टिकट मिलने पर मुस्लिम महिलाओं ने दरगाह पर चढ़ाए फूल, मांगी जीत की दुआ। फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयप्रदा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो गई है। बीजेपी ने जयप्रदा को रामपुर से लोकसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जयप्रदा के बीजेपी में शामिल होने पर रामपुर से चुनाव लड़ने पर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। मुस्लिम महिलाओं ने दरगाह पर जाकर जयप्रदा के चुनाव में जीत के लिए दुआ भी मांगी। अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ की मुस्लिम महिलाओं ने रामपुर की प्रसिद्ध शरीफ हाफिज शाह जमाल की दरगाह पर इकट्ठा हुई, जहां उन्होंने मजार पर फूल चढ़ाकर जयप्रदा के लिए दुआ मांगी और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। महासंघ की प्रवक्ता मरियम खान ने बताया कि जयप्रदा ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, जिसमें हम महिलाएं बहुत खुश है। वो पहले भी यहाँ से जीत चुकी है। मरिया खान ने बताया कि हम लोगों ने दुआएं की है कि जयप्रदा इस बार लोकसभा चुनाव से पहले ज्यादा वोटों से यहाँ से जीते। ब्यूरो रिपोर्ट, WNN न्यूज। आज हम दरगाह शरीफ दरगाह हाफिज साहब में आए हैं जयप्रदा जी के भाजपा ज्वाइन करने की खुशी में और उनका यहाँ रामपुर से प्रत्याशी घोषित होने की खुशी में, और हम चाहते हैं कि वो यहाँ से बहुत सारे वोटों से जीते और मुस्लिम समाज उनका मतलब हार्दिक अभिनंदन करते हैं उनके।